हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मीठी मीठी रेसिपी जिसे मैंने एक फ्रूट से बनाया है और चीनी इसमें मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस होने के साथ साथ आपको मीठा खाना भी पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 10 पके हुए मीडियम साइज़ के केले लिए हैं। इन्हें छील के एक मिक्सर ग्राइंडर में रफली चॉप कर लें। बड़े बड़े टुकड़ों में ही काटना है क्योंकि अब इसे पीसने वाले हैं। अब इसे अच्छी तरह एक स्मूथ प्यूरी होने तक ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मेरे पास एक कप गुड़ है जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया था, उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप पानी। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसे बॉईल करते हुए हमें गुड़ को पिघलाना है, सो धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए हम गुड़ को पिघला लेंगे और 5 मिनट के करीब इसे बॉईल करते रहेंगे। गुड़ हमारा पिघल चुका है, अब गैस ऑफ करके इसे एक तरफ रख दें बाद में यूज़ के लिए। यहाँ पर मेरे पास 3 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी है। अब इसमें मैंने केले की प्यूरी डाल दी है। अब इसे हमें भूनना है लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर। हमें मिक्सचर को लगातार चलाते हुए इसका रंग चेंज होने तक भूनते रहना है और थोड़ा सा मिश्रण गाढ़ा भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अब ये करीब हो चुका है। अब इसमें हम पहले से पिघला हुआ हमारा गुड़ डाल देंगे। अब गुड़ और केले को अच्छी तरह से इस तरह चलाते हुए धीमी आंच पर मिला लेंगे। गुड़ इसे एक बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर भी देगा और इसे हेल्दी भी काफ़ी बनाता है। मिक्सचर को हमें एक हलवे का टेक्सचर आने तक भूनते रहना है। अब ये हो चुका है, इसका रंग भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच के करीब घी। इसे फिर से हम इस तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे ताकि और गाढ़ा हो जाए। इसे और पकाना इसलिए है क्योंकि हम बाद में इसे एक ट्रे में जमाने वाले हैं, इसे बर्फ़ी की तरह कट करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। जब हलवे का रंग इतना गाढ़ा हो जाए और कढ़ाई के साइड छोड़ने लगे तब समझ लीजिए कि हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसमें क्रश की हुई इलायची डाली है मैंने, छोटी इलायची। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। एक बार फिर अच्छी तरह से इसे मिला लें। यहाँ पर एक स्क्वायर डिश को मैंने बटर पेपर के साथ लाइन किया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप डिश को ऐसे ही ग्रीस कर लें ताकि हलवा हमारा जमने के बाद चिपके नहीं। इसके बाद जो हलवा हमने बना के रखा था उसे डिश पे डाल देंगे। फिर उसे 1 चम्मच की सहायता से इस तरह अच्छी तरह से फैला दें ताकि जमने के बाद हमारी बर्फ़ी बिल्कुल एक ही थिकनेस की कटे। इसके बाद हम 2 घंटे के करीब इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। आपको अगर बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अभी 2 घंटे के करीब हो चुके हैं। अब मैं इसे डिश से बाहर निकाल रही हूँ। इसके बाद आप इसे किसी भी शेप में कट कर लें। मैं स्क्वायर पीसेस कट करने वाली हूँ। आप छोटे बड़े जिस तरह के चाहे वैसे कट कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करना, आपको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, किस तरह की रेसिपीज़ आप आगे देखना चाहते हैं। मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।